तो गाइस फाइनली सारा सामान आ चुका है और ये मेरे पास माइक पहले ही से था, मैंने पहले ही मंगा के रखा था, तो उसका बॉक्स गायब है। बाकी ये सारा आ चुका है, अभी सबकी ओपनिंग करते हैं और सेटअप करते हैं, फिर एक छोटी सी राइट मार के देखते हैं कैसा है। और बाकी इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, चेकआउट ज़रूर करना डिस्क्रिप्शन। बाकी करते हैं इसको ओपनिंग। Every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose, it fits some loose shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. तो गाइस सारा सेटअप कर लिया है, ऐसा कुछ बना है। ये मैंने माइक अंदर फिट कर दिया था, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे माइक किया है। और इस साइड से पूरा राउंड मैंने वायर कर दी थी अंदर को, और ये रहा। तो अभी निकलते हैं राइट पे और एक छोटी सी राइट मार के देखते हैं, माइक वगैरह चेक करते हैं और व्यू वगैरह चेक करते हैं। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? और कल रात तो मैं नहीं निकल पाया था टेस्ट राइड के लिए, क्योंकि लाइट चली गई थी और सेटअप बन नहीं पाया पूरा। और ये हमारे टपोरी, यार यहाँ रिस्की बहुत है, एक तो कहीं से भी आ जाते हैं, किधर भी मोड़ देंगे कोई ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बस एक राइड लाइट से निकले हैं, दूसरी तैयार है। और यही है चंडीगढ़ का कमाल, यहाँ गियर डालने से पहले निकालने की सोचो। यही है, वाइजर ओपन करके अगर सब कुछ ठीक है तो बहुत ठीक है। एंगल वाइज भी अगर परफेक्ट आ जाए तो बहुत अच्छा है, अगर इन दोनों चीज़ों में दिक्कत आ जाए तो फिर पंगा हो जाएगा। कहाँ हैं इमरान सर? मुंह पे हैं, देख रहा है कौन? कैटरीना है, कैटरीना है, कैटरीना है। टाइम थोड़ी ना लगाओगी आने में हैं? ये साथ में ही जॉब करते हैं, आर्टिस्ट हैं काफ़ी अच्छे दोनों, जब मिलके करते हैं ना तो आर्ट करते हैं। ये पता नहीं कहाँ चले गए और कहाँ रुक गए, मेरे को भी पता नहीं है। ये मिल गए छपरी लौंडे, छपरी मिल गए, छपरी मेरे को ऐसे मिलते हैं छपरी। भगाएंगे ये अब भगाएंगे गाड़ी। तो अभी मैं जा रहा था फैक्ट्री, क्योंकि वहाँ पे भी लड़के हैं और वो भी बोल रहे थे कि एक बार आओ, काफ़ी टाइम हो गया आए नहीं। और न्यू GoPro लिया है तो दिखा के जाओ, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार हो आता हूँ। बाकी मैं पूरी वीडियो वाइजर ओपन करके ही बना रहा हूँ,
माइक की क्लियरिटी पता चल जाएगी ना, तो इसमें ये छपरी लौंडे मानेंगे नहीं, ये नहीं मानेंगे। और फिर लग गई है रेड लाइट, और ये चंडीगढ़ है, यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग भी अगर आपने गलती से पार कर दी ना तो सीधा चालान है। देखो सबकी जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे है। अभी मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री, अभी मैं आगे चल के दिखाता हूँ अंदर की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। अभी तो थोड़ा रोड वोड भी ख़राब हो गया क्योंकि बारिश जो अभी पड़ी थी ना 3 दिन के लिए, तो उन 3 दिन में इतना पानी चला था कि रोड भी पूरा उखड़ गया था और गड्ढे वड्ढे भी पूरे भयंकर वाले बने थे गड्ढे। भाई निकलना तो निकलना, चलना बहुत मुश्किल था उस पानी के अंदर क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा था उसमें उस टाइम पे, और दूसरा कब कहाँ पे गड्ढा मिल जाए कोई पता नहीं था। यहाँ का भी थोड़ा सा रोड ऑफ रोडिंग है थोड़ी सी। अरे चाचा तुम्हारी कमी थी। ये ना पूरा जंगल जंगल है यहाँ से पूरा जंगल है। अब आप देख रहे हो पूरे बीच जंगल में चल रही है, दोनों साइड में जंगल है, समथिंग 1 किलोमीटर के अराउंड में दोनों साइड में जंगल है और काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे जानवर वानवर भी हैं, बस शेर छोड़ के बाकी सब हैं, शेर नहीं है बाकी सब हैं। ये देखो लिखा हुआ भी है ड्राइव स्लो, तो यहाँ तो स्लो चलानी पड़ती है और चलाना भी चाहिए क्योंकि कब कहाँ से कौन आ जाए कोई पता नहीं है। और बारिश होने लगी है, इतनी गर्मी पड़ रही थी भाई, इतनी गर्मी पड़ रही थी, मैं यकीन मानो कि आप दिन में बाहर निकल जाओ ना तो समझो आग में चल रहे हो। और कल रात मैं सेटअप कर रहा था इसका कैमरे का, क्योंकि कल आया था कैमरा और मैं सारा सेटअप कर रहा था इसका, लाइट चली गई थी तो मैं टेस्ट भी नहीं कर पाया, इसका टेस्ट राइड भी नहीं ले पाया कि ठीक है ठीक नहीं है, माइक कैसा है और व्यू कैसा है, कुछ समझ भी नहीं आया। और क्योंकि अंधेरा था तो मैं कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद में क्या हुआ था, समथिंग अराउंड 6 बजे लाइट आई थी मॉर्निंग में। पूरी रात जो हमने छत पे काटी है ना, मैं बता नहीं सकता कैसे करके वो रात काटी है कल की, क्योंकि अंदर रूम में बैठे थे तो गर्मी इतनी लग रही थी कि वो भपका नहीं होता गरम गरम सा वो निकल रहा था, और अंदर जा रहे थे तो अंदर जाने में ये दिक्कत थी। अंदर भाई लोग चले गए बाय बाय बोल के, और अंदर जाने में पता क्या दिक्कत हो रही थी, भपका आ रहा था। और बाहर छत पे थे, छत पे हवा बहुत हल्की चल रही थी, मतलब मौसम ठंडा था रात में ठंडा, तो इतने मच्छर थे कि समझ में नहीं आ रहा था भाई कैसे रात गुजारी है वो गर्मी की भयंकर वाली। सुबह 6 बजे सोए थे और 10 बजे उठ के जॉब पे, उसमें भी लेट हो गए। और लेट का क्या बताऊँ मैं, ऐसा कोई दिन गया ही नहीं है जिस दिन मैं टाइम पे पहुँचाऊँ। देख रहे हो ये रोड, देखो यहाँ रहता था मैं, आप लोग देख ऐसी मिट्टी है कि गाड़ी फिसल रही है। क्यों भाग रहे हो क्यों? ओके बाय बाय। हाँ हाँ अब तो नहीं आ रहे, बच्चे भाग रहे हैं देख के। आंटी जी हटोगी थोड़ी सी, ये आ गए हम अपनी डेस्टिनी। गाइस रिएक्शन देखो, ये हमारे महबूब भाई। हाँ
भाई कि हम आए कार्यक्रम। वो तो मैं नीचे ही बोलता हुआ आया। अरे मैं कहूँ इधर भी अजूबा है कोई। बिल्ली का तो बिल्ली का कहाँ है बिल्ली? हे बच्ची। गाइस ये हमारी फैक्ट्री की सबसे क्यूट बिल्ली काट रही है। मतलब हम प्यार से बात कर रहे हैं। अरे खाना है, चल मर गई। अरे एक्टिंग कर रही। तो गाइस अभी महबूब भाई ने भी अपनी निकाल ली है एक्सपल्स, और महबूब भाई रेडी हैं, और अभी हम जाएंगे एक दो रील बनाने और एक दो फोटोस शूट करेंगे, चलें। और हम हमारे महबूब भाई निकल चुके हैं, दो तीन रील्स बनाएंगे और दो तीन फ़ोटो लेंगे इंस्टाग्राम के लिए। और ऑफ रोडिंग आ गई अभी से, यहाँ रहते थे और ये पहले रोड ठीक था, बट जो अभी बारिश हुई थी तो उसकी वजह से ये रोड पूरा ख़राब हो गया। बहुत गंदा सीन है। आएंगे हम आएंगे। ओए होए होए होए, इसमें ना टायर फिसल रहे हैं पूरे। अरे अच्छा वो फ्लाई ओवर पर उधर जगह तो अच्छी ना है। उधर पुलिस भी खड़ी होती है। हाँ जे भी है, दिक्कत तो जे भी है। बताओ उधर चल रहा है नहीं वाली है। हाँ इस पे चल रहे हैं। वो पूरा एरिया भी अच्छा है, साफ सुथरा। हो देख ले आदमी रुके ना है। हाँ वो लाइट के नीचे तो रोक लो। हैं बस ठीक है। कहाँ पे लाइट आ रही है? उधर से आ रही है। लो लाइट तो मिली नहीं गाइस। रिटर्न आ गए वापस अपने घर की ओर। और दिक्कत पता क्या कि हम ठहरे जॉब वाले बंदे, तो दिन तो पूरा सुबह से शाम हो जाती है सैलून में। ओए हाय सुबह से शाम हो जाती है सैलून में, तो रात में ही छुट्टी होती है 8 बजे के बाद में ऑफिस से, तो अब क्या कर सकते हैं। कभी वीक ऑफ वाले दिन देखेंगे, ट्यूसडे ऑफ होता है। ट्यूसडे फिर ये लोग फ्री नहीं होते क्योंकि इनके पास काम होता है।
देखेंगे। और नेक्स्ट इस ट्यूसडे शायद मैं हेयर कट भी कराने जाऊँ क्योंकि बाबा बनने वाला हूँ और इस बार गालियाँ पड़ रही हैं हर किसी से। पहले तो लंबे बाल कर लिए थे तब तो गालियाँ सुन ली, इस बार नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। तुम तो बैठ के स्टार्ट करके खड़ी करो ना अंदर। ये आराम से आराम से। टाटा बाय बाय। हाँ आधा घंटा बस, आधे घंटे में आया। तो गाइस अभी फैक्ट्री से निकल गए और टाइम हुआ है 10:30 बज गए हैं, 10:28 हो गए। 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा, उसके बाद खाना वाना देखना है और यार कितना ख़राब रोड हो गया। ये बहुत अच्छा रोड था और देख रहे हो सिचुएशन क्या हो गई है इस रोड की। ऐसा लग रहा है ऑफ रोड है, कहीं जा रहा हूँ मैं लंबी राइड पे लद्दाख उत्ताख में। तो अभी थोड़ा सा एंगल सेट किया है इसका और अभी देखता हूँ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के सही आ रहा है नहीं आ रहा है चलाते टाइम पे। मैंने वाइजर भी इस बार बंद कर दिया है क्योंकि वाइजर बंद करना थोड़ा सा ज़रूरी था। ऐसे में एक बार क्लियर हो जाए ना कि वॉइस ठीक है नहीं है और बैटरी है 12% GoPro की। इधर का सीन देखो, अभी मैं चंडीगढ़ में था तो चंडीगढ़ आपने देखा था बिल्कुल सूखा पड़ा था। जैसे ही चंडीगढ़ से बाहर निकला पंजाब में आया हूँ, पंजाब में बारिश हो रही है, देख रहे हो पूरा भीगी भीगी सी रोड पड़ी है भाई, क्या ही सीन हुआ है इधर। और शायद इतने में ही पानी बरसा है, नहीं बरसा है थोड़ा सा आगे भी है। और अगर आपको यकीन नहीं होता मैं कहाँ पे हूँ तो देख लो ऊपर बोर्ड पे, ये देखो वेलकम टू पंजाब, ये रहा वेलकम टू पंजाब। और इधर बारिश हो रही है तो मेरे को लगता है कि GoPro मैंने निकाल के रखना पड़ेगा क्योंकि केस में है। और केस में दिक्कत क्या है, वैसे दिक्कत नहीं होती, वाटर प्रूफ है कैमरा, तो वाटर प्रूफ है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अडैप्टर की कोई गारंटी नहीं है ना, उसके चार्जिंग के चार्जिंग स्विच से पानी चला जाए तो ख़राब हो सकता है या फिर वो दिक्कत हो सकती है। बाकी अदरवाइज़ तो मौसम बहुत अच्छा हो गया इधर का, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बारिश आए हाय हाय हाय, ठंडी ठंडी हवा और हल्की हल्की बारिश, क्या ही बात है क्या ही बात है, मज़ा आ गया, स्वाद आ गया एकदम। बस यही तो चाहिए था, 10 दिन हो गए हैं, इतनी गर्मी पड़ी है मैं बता नहीं सकता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है और अभी मैं 10-12 किलोमीटर दूर हूँ और बारिश होने लगी है बहुत ज़्यादा, तो मेरे को बंद करना पड़ेगा GoPro। रिस्क नहीं लेने चाहते क्योंकि आज पहला ही दिन है, पहले दिन कुछ हो जाए उससे अच्छा है। अभी ये हुआ था कि एक लड़की की स्कूटी बंद हो गई थी यहाँ मेन रोड पे और बारिश देख रहे हो, ये देखो कैसे चल रहा है, इतनी ख़तरनाक बारिश हो रही है और उसकी अभी स्कूटी ठीक करके दी है, स्टार्ट हो गई तो निकल गई है अभी। तो बाकी बारिश में मैं देखो क्या हो गया, पूरा नहा चुका हूँ और सोच रहा हूँ हेलमेट उतार दूँ, बट सेफ्टी फर्स्ट है क्योंकि ये हाईवे है तो इसे उतार नहीं सकता हूँ मैं। बाकी देखो भाई ये चल रहा है नाला और फ़ोन को भी मैं ज़्यादा देर पानी में नहीं रख सकता हूँ, वो फ़ोन में चला गया फिर दिक्कत हो जाएगी, वैसे आईफोन है तो दिक्कत है नहीं इतनी,
पर फिर भी ओके मिलता हूँ, फिर मैं फ्लैट पे जाके मिलता हूँ सीधा। गाइस पहले ही दिन ब्लॉगिंग स्टार्ट की है गोप्रो से और हालत देखो किस कदर भीगा हूँ मैं। इतनी खतरनाक बारिश हुई थी, इतनी खतरनाक बारिश हुई थी कि जूतों में ऐसा पानी सा भर गया, मैंने जूते बाहर ही रखे हैं, पूरा नहा गया आज तो। तब ये देखो गोप्रो निकाल के रख दिया मैंने, थोड़ा सा पानी पड़ा है उस पर और ये पूरा भीग चुका है, बैग पूरा भीग गया भाई। बहुत ख़तरनाक बारिश हुई थी आज, वही वाली बारिश हो रही है जो 10 तारीख को हुई थी, 10-11 तारीख को वो बारिश हो रही है आज भी। और मैंने सारा गीला गीला कर दिया इधर, ये सब गंदा कर दिया। अब बताता हूँ मैं खाने में क्या बना है, देखो ये बनी है आलू के चिप्स, बहुत ही खूबसूरत राइस। तो अभी खाते हैं, बारिश में नहा के मज़ा आ गया एकदम, कैट वाली एकदम कैट वाली फीलिंग आई है नहा के बारिश में। मिलते हैं फिर, ओके बाय बाय।